हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं 21 से लेकर के 31 मई तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले नंबर पर है आपका पूरा पाषाणकालीन भित्ति चित्र। पूरा पाषाणकालीन भित्ति चित्र जो मिले हैं आपके जशपुर जिले में, जशपुर जिले में मौजूद है आपका जयमरगा और देश देखा, जयमरगा और देश देखा की गुफाओं में मिले हैं आपकी भित्ति चित्र। देखिए, ये जो आपकी जो दो गुफाएं हैं जशपुर जिले की, जयमरगा और देश देखा, यहाँ पर कुछ भित्ति चित्र मिले हैं जिसे प्रथम दृष्टतया देखने पर वो प्रतीत होता है कि ये पूरा पाषाणकालीन आपके भित्ति चित्र है। अभी केवल दावा किया जा रहा है, अभी इसकी कार्बन डेटिंग निकालनी बाकी है, उसके बाद क्लियर होगा कि ये जो भित्ति चित्र किस काल के है। लेकिन पुरातात्विक वेत्ता द्वारा जब उसका प्रथम दृष्टतया उसे देखा गया तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये आपका पूरा पाषाणकालीन भित्ति चित्र है। ठीक है, इन भित्ति चित्रों में जो चित्र बने हुए हैं वो मानव जननांगों के चित्र बने हुए हैं, मानव जननांगों के चित्र, महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित यहां पर चित्र बने हुए हैं, जिसे कहा जाता है आपका फर्टिलिटी कल्ट, फर्टिलिटी कल्ट कहा जाता है इसे। ठीक है, देखिए, इसका पूरा पाषाणकालीन होने का दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सेम चित्र मिले हैं, यानी ये फर्टिलिटी कल्ट वाले जो चित्र मिले हैं आपके कैलिफोर्निया में, जो कि पूरा पाषाणकालीन चित्र है। तो उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो चित्र मिले हैं ये भी आपके पूरा पाषाणकालीन भित्ति चित्र हो सकते हैं। ठीक है, देखिए, यहां पर मिला है आपका एक वाद्य यंत्र भी मिला है, जो कि शंख की ध्वनि निकालने वाला एक पत्थर। ठीक है, वाद्य यंत्र एक पत्थर है जिससे शंख की ध्वनि निकलती है। तो ये दो साक्ष्य मिले हैं आपके इस जशपुर की गुफाओं से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ब्लैक पैंथर जिसे स्थानीय आदिवासियों द्वारा इसे नाम दिया गया है बघीरा। देखिए, ये जो आपका ब्लैक पैंथर है ये काले रंग का तेंदुआ है, काले रंग का तेंदुआ। ठीक है, ब्लैक पैंथर बघीरा ये आपका देखा गया है अचानक मार टाइगर रिजर्व बिलासपुर के अंतर्गत। बिलासपुर के अचानक मार टाइगर रिजर्व में जब बाघों की गणना की जा रही थी वन विभाग के द्वारा, बाघों की गणना करने के लिए आपके वन विभाग के द्वारा पूरे जंगलों में या टाइगर रिजर्व में आपके कैमरे लगाए गए हैं, उस कैमरे में इस ब्लैक पैंथर की तस्वीर कैद हुई है। ठीक है, तो ये अचानक ऐसा नहीं है कि ये जो आपका ब्लैक पैंथर है पहली बार देखा गया है। हमारे प्रदेश में जो ब्लैक पैंथर है वर्ष 2011-12 में, वर्ष 2018 में भी आपके अचानक मार के जंगलों में देखा गया है। इसके साथ साथ आपके उद्यंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में भी इसे देखे जाने की बात कही गई थी। ठीक है, तो ये जो आपका ब्लैक पैंथर है जिसको स्थानीय आदिवासियों के द्वारा बघीरा इसे कहा जाता है, अभी हाल फिलहाल में यानी इस आपके मई 2020 में आपका इसे अचानक मार टाइगर रिजर्व में देखा गया है, कैमरे में इसकी तस्वीर कैद हुई है। ठीक है, देखिए, ये जो आपका काले रंग का तेंदुआ या जो आपका ब्लैक पैंथर है ये तेंदुए की कोई नई प्रजाति नहीं है, ये तेंदुआ में एक प्रकार का आपका अनुवांशिक परिवर्तन है। ठीक है, ये जो आपका तेंदुए जो होते हैं उसकी त्वचा में आपका मेलोनिन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण इसका शरीर का रंग काला हो गया है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है आपका जो काला तेंदुआ जो है जिसे ब्लैक पैंथर कहा जा रहा है, जो अचानक मार के जंगलों में पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में चयन। एक छत्तीसगढ़ की एक शॉर्ट फिल्म है जिसका न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में उसका चयन हुआ है, समझिएगा। ये जो फिल्म है इस फिल्म का नाम है आपका द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी, जिसका निर्माण करी है एक कंपनी, उसका नाम है बस्तर क्राफ्ट एंड इवेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यह शॉर्ट फिल्म बनाया गया है। इसके निर्माता है आपके डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर इस शॉर्ट फिल्म के निर्माता है। ठीक है, इसकी शूटिंग हुई है आपके गरियाबंद के जंगलों में इस फिल्म की शूटिंग हुई है, तथा ये फिल्म की कहानी आधारित है कि अवैध खनन के लिए जो आपके मजदूर जंगलों में जाते हैं और किस प्रकार से मुसीबत में वो फंस जाते हैं। ठीक है, अवैध खनन करने वाले मजदूरों की ये कहानी है। तो ये जो है आपका द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी, ये आपके न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में इसका चयन हुआ है। नाम थोड़ा याद रखिएगा, इससे पहले पिछले साल एक और शॉर्ट फिल्म आपके कांस फिल्म फेस्टिवल में उसका चयन हुआ था, उसका नाम था स्प्लिटिंग शोल्डर्स। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा शॉर्ट फिल्म है हमारे छत्तीसगढ़ से जिसका नाम है द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी, जो कि न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में इसका चयन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन जिसका निर्माण मेक इन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ग्रीनवे इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया है। ठीक है, ग्रीनवे इंडिया कंपनी जिसने मेक इन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इस ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन का निर्माण किया है तथा इसको लॉन्च किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, इस ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन का नाम रखा गया है आपका जीवराखन, जिसका अर्थ होता है जीवन की रक्षा करने वाला। तो जीवराखन क्या है, एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन है जो कि कोविड
19 के तहत सैनिटाइज करने के लिए इसका निर्माण ग्रीनवे इंडिया कंपनी ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके अजीत जोगी जी, अजीत प्रमोद जोगी, जिनका अभी हाल फिलहाल में इनका निधन हुआ है। ठीक है, देखिए इनका जो जीवन काल रहा वर्ष 1946 से लेकर के 2020 तक इनका जीवन काल रहा। ठीक है, देखिए इनके बारे में बताने के लिए बहुत फैक्ट है, इनका जन्म कहाँ हुआ, किस ग्राम में हुआ, ठीक है, इनकी क्या क्या उपलब्धि रही, इनका जो प्रारंभिक शिक्षा क्या रहा, किस प्रकार वो IAS बने, IPS बने, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बताने के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं बोर्ड में स्पेस काफ़ी कम है, तो इनसे जुड़ी हुई कोई एकदम इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है केवल उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी इनके जीवन परिचय को थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि किस प्रकार से इनका राजनीतिक जीवन का सफर रहा, उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए तो ये जो आपके अजीत प्रमोद जोगी जी है, जो प्रदेश के आपके पहले मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल रहा 3 साल के लिए, जब आपके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था वर्ष 2000 में, वर्ष 2000 से लेकर के 2003 तक ये प्रदेश के 3 साल के लिए आपके मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। ठीक है, देखिए ये जो है इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया था, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ये इनकी एक राजनीतिक पार्टी थी जिसे इन्होंने बनाया था, इसका गठन किया था जून 2016 में उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया था। प्रारंभिक तौर पर उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा था छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, लेकिन कुछ विवादों के कारण उन्हें अपनी राजनीतिक पार्टी का नाम चेंज करना पड़ा और उसका नाम उन्होंने रखा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। ठीक है, इसका पूर्व नाम था आपका छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस। चिन्ह, इनकी राजनीतिक पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है आपका हल चलाता हुआ किसान, एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के अंदर एक हल चलाते हुए किसान का चिन्ह इनका चुनाव चिन्ह है। ठीक है, यह राजनीतिक पार्टी का चिन्ह है। ठीक, देखिए इनके जो जीवन पर आधारित एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है अजीत जोगी की अनकही कहानियां, अजीत जोगी की अनकही कहानियां, ये इनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक है जिसे लिखा गया है इनकी पत्नी के द्वारा, डॉक्टर रेणु जोगी द्वारा लिखित पुस्तक अजीत जोगी की अनकही कहानियां। ठीक है, इनके प्रशासनिक जीवन, इनके राजनीतिक जीवन, इनके जीवन काल से संबंधित जो विवाद रहे, ठीक है, वो सारे पहलुओं पर इस पर बात लिखी गई है, एक पूरी कहानी, एक स्टोरी लिखी गई है। ठीक है, ये एक प्रकार की इनकी आत्मकथा ही है, और अभी लॉकडाउन के समय भी उन्होंने अपने जीवन पर आधारित एक आत्मकथा वो लिखवा रहे थे, इस लॉकडाउन टाइम पीरियड में अपने घर में बुला करके राइटर्स के जरिए वो कुछ अपने आत्मकथा लिखवा रहे थे। पुस्तक लिख के कंप्लीट हो चुका है, पुस्तक का टाइटल अभी डिसाइडेड नहीं है, अभी वो फिलहाल एडिटिंग अभी उस पुस्तक का किया जा रहा है, बहुत जल्द ही उनका उनके जीवन पर लिखित उनकी आत्मकथा वो पुस्तक भी अभी कुछ दिनों में लॉन्च होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका झीरम घाटी श्रद्धांजलि दिवस, झीरम घाटी या झीरम श्रद्धांजलि दिवस, इससे रिलेटेड थोड़ा फैक्ट समझिएगा। 25 मई 2013 को आपका झीरम घाटी हमला हुआ था, झीरम घाटी हमला जिसमें लगभग 27 लोग शहीद हुए थे, उन 27 लोगों में से 17 कांग्रेस के दिग्गज नेता थे और 10 आपके जवान शहीद हुए थे। ठीक है, जिसमें आपकी कांग्रेस के दिग्गज नेता महेंद्र कर्मा जी शहीद हुए थे। ठीक, देखिए इस झीरम घाटी हमला की जांच करने के लिए एक न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया गया था, न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में। ठीक है, अभी भी इस पर जांच की जा रही है, NIA को रिपोर्ट सौंपी गई है, अभी जांच अभी चल ही रही है। ठीक है, तो ये जो आपका झीरम घाटी जो हमला हुआ है, इस झीरम घाटी हमला जिस डेट में हुआ था 25 मई 2013 को, तो प्रतिवर्ष अब प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रतिवर्ष इस 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ष इस 25 मई को अब प्रदेश में झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने बस्तर विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके आपका स्वर्गीय श्री महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय रखने का भी निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने जो आपके बस्तर में स्थित जो विश्वविद्यालय है उसका नाम परिवर्तित करके स्वर्गीय श्री महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय रखने का निर्णय लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके लाख की खेती, लाख की खेती, लाख जो कि एक प्रकार का वन उपज है। ठीक है, वन उपज, तो इस लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा दिया जा रहा है। ठीक है, लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया जा रहा है। कृषि का दर्जा दिए जाने के बाद इस लाख की खेती करने वाले किसानों को फायदा क्या होगा, समझिएगा। हमारे प्रदेश में जो आपका ऋण जो लोन मिलता है वो कृषि आधारित उपजों पर मिलता है। ठीक है, कृषि आधारित उपजों पर आपका अल्पकालीन ऋण, मध्यमकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध किया जाता है, लेकिन वन उपजों पर किसी भी प्रकार के ऋण दिए जाने की
की कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, हमारे प्रदेश में लाख की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है, इसके कारण प्रदेश सरकार ने इसे इस लाख की खेती को कृषि के दर्जा दिए जाने की अभी प्रस्ताव ला रही है। ठीक है, अभी शामिल किया गया नहीं है, शामिल किए जाने की अभी बात चल रही है। तो ये जब आपका कृषि का दर्जा इस लाख की खेती, देखिए लाख की खेती के साथ साथ हो सकता है शायद एक दो वन उपजों को और भी शामिल किया जाए, लेकिन अभी फिलहाल प्रारंभिक तौर पर इस लाख की खेती को कृषि के दर्जा दिए जाने की बात कही गई है। ठीक है, इसे कृषि का दर्जा दिया जाएगा, जिसके पश्चात सहकारी समितियों के माध्यम से इस लाख की खेती करने वाले किसानों को भी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, देखिए लाख क्या होता है, आप देखे होंगे पेड़ से निकलने वाला एक चिपचिपा पदार्थ, गोंद की तरीके से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे लाख कहा जाता है। हमारे प्रदेश में प्रदेश के किसानों के द्वारा परंपरागत तौर पर कुसुम, पलाश और बेर के वृक्ष से परंपरागत तौर पर इस लाख की खेती की जाती है। ठीक है, प्रदेश सरकार द्वारा यह दावा भी किया गया है कि इस लाख के उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी है। ठीक है, ये आंकड़े हमारे प्रदेश सरकार द्वारा इस पर दावा किया जा रहा है कि लाख के उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ अग्रणी है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा नेशनल लेवल पर देखेंगे तो नेशनल लेवल पर हमारा छत्तीसगढ़ का नाम नहीं मिलता। ठीक है, फिलहाल प्रदेश द्वारा दावा किया जा रहा है कि इस लाख की खेती में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अग्रणी है। ठीक है, तो हमको मानना नहीं पड़ेगा। तो बस याद रखिएगा, लाख की खेती जिसे कृषि का दर्जा दिए जाने की बात कही जा रही है। नेक्स्ट देखिए, पीएससी लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के अभी वर्तमान अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं आपके टामन सिंह सोनवानी जी। टामन सिंह सोनवानी अभी हाल फिलहाल में पिज्जा सर रिटायर हुए हैं, अब उनका स्थान ले रहे हैं आपके टामन सिंह सोनवानी। पीएससी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है आपके TS सोनवानी या टामन सिंह सोनवानी। नेक्स्ट देखिए, गन्ना फसल FRP रेट जो है आपके, ये भी आपके MSP के समान होता है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसी के प्रकार होता है आपका FRP रेट, यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव रेट। इसका हिंदी में अर्थ होता है आपका उचित एवं लाभकारी मूल्य। ये जो आपका FRP रेट है, ये आपके शुगर मिल कंपनियों के द्वारा गन्ने की खेती करने वाले किसानों को भुगतान किया जाता है। तो प्रदेश सरकार के द्वारा इस पेराई वर्ष 2019-20 में गन्ने के लिए आपका 355 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। ठीक है, इस 355 रुपये प्रति क्विंटल में आपका 261 रुपये प्रति क्विंटल FRP रेट के रूप में, ठीक है, 261 रुपये प्रति क्विंटल FRP रेट के रूप में, और आपका 93.75 रुपये अलग से प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदेश सरकार प्रदान करेगी। तो इस प्रकार से इस पेराई वर्ष 2019-20 में गन्ने के किसानों को आपका प्रति क्विंटल गन्ने के लिए 355 रुपये की राशि उन्हें भुगतान किया जाएगा। ठीक है, प्रदेश में अभी इस पेराई वर्ष में 34,637 किसानों को इसका लाभ मिलेगा, जिन्हें लगभग 74.5 करोड़ रुपए की राशि उन्हें भुगतान की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर टेनिस एकेडमी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर टेनिस एकेडमी अभी हाल फिलहाल में प्रदेश सरकार के द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर टेनिस एकेडमी को बनाए जाने का इसका प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। देखिए, ये जो है ये बनेगा आपका रायपुर जिले में जो आपका एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है उसके पास में ही बन रहा है आपका इंटरनेशनल लेवल का एक टेनिस एकेडमी, जो कि आपके आर के खन्ना टेनिस एकेडमी जो कि मौजूद है आपके दिल्ली में। ठीक है, तो इस दिल्ली में मौजूद आपके आर के खन्ना टेनिस एकेडमी के तर्ज पर बनाया जा रहा है हमारे प्रदेश के इस टेनिस एकेडमी को, जिसमें होगा आपका एक मुख्य तथा 5 प्रैक्टिस कोर्ट होंगे। एक मुख्य कोर्ट होगा जहाँ पर आपका नेशनल इंटरनेशनल आपके मैच होंगे, और 5 प्रैक्टिस कोर्ट होगा। ठीक है, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर टेनिस एकेडमी जो कि बनेगा, 15 माह के भीतर इसे बनाए जाने की बात कही गई है, जो कि रायपुर में आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास ही इसे बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका रक्साहाड़ा, ये मौजूद है आपके नारायणपुर जिले में। रक्साहाड़ा जो कि रामायणकालीन स्थलों में से एक जो कि आपके नारायणपुर जिले के करेल घाटी के पास मौजूद है। देखिए, यहाँ पर ये जो आपका रक्साहाड़ा है, रक्साहाड़ा का मतलब होता है रक्षा मतलब राक्षस, हाड़ा मतलब हड्डियाँ। ठीक है, तो ये जो आपका ये जो जगह है रक्साहाड़ा, यानी जो आपके करेल की घाटियाँ है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पत्थर मौजूद है जिन्हें जलाए जाने पर आपको हड्डियों को जलाए जाने के बाद जैसे तीखी गंध आती है, उस प्रकार की गंध यहाँ के पत्थरों को जलाने पर आती है। ऐसे माना जाता है कि जब आपके भगवान राम जब अपने वनवास के दौर पर
यहाँ से गुजर रहे थे तब खरदूषण की सेना के साथ उनका युद्ध हुआ था और युद्ध में जो राक्षस मारे गए वो राक्षसों की हड्डी यहाँ पर एकत्र होकर के यहाँ पर बहुत बड़े टीले बने जो समय के साथ परिवर्तित होकर के जो समय के साथ आपके पत्थरों में परिवर्तित हो गए, ठीक है, जिसके कारण इस पत्थरों को जलाए जाने पर हड्डियों के जैसे तीखी गंध आती है। लेकिन अगर यहाँ का यदि एक्चुअल फैक्ट की बात करें तो देखे जाने पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो पत्थर मौजूद है, जो सफ़ेद कलर के जो पत्थर दिखते हैं उस पर जीवाश्म मौजूद है, उससे मौजूद जीवाश्म या फॉसिल के कारण ये जो आपकी तीखी गंध आती है, ठीक है। तो इसको आप दोनों तरह से रिलेट कर सकते हैं। पहली बात, ये जगह का नाम राक्षसों की हड्डी, जैसे हम पौराणिक मान्यताओं के अगर आधार पर चले तो रक्षा हाड़ा, रक्षा मतलब राक्षस, हाड़ा मतलब हड्डी, ठीक है। तो इस स्थान पर ये जो पत्थर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जिसको जलाए जाने पर आपकी हड्डियों की जैसे तीखी गंध आती है, इसके कारण ही इस जगह का नाम आपका रक्षा हाड़ा पड़ा है, जो कि रामायणकालीन स्थलों में से एक माना जा रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका कक्षाड़ पंडुम, जो कि नारायणपुर जिले में मनाया जाने वाला या आपके बस्तर संभाग में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। ये जो आपका कक्षाड़ पंडुम है ये आपके गोड़ी बोली का एक शब्द है, गोड़ी बोली, जिसका अर्थ होता है, ये जो कक्षाड़ है, कक्षाड़ का अर्थ होता है आपका देव क्रीड़ा, जबकि पंडुम का अर्थ होता है त्यौहार। कक्षाड़ का अर्थ होता है आपका देव क्रीड़ा और पंडुम का अर्थ होता है त्यौहार। ये जो आपका कक्षाड़ पंडुम है ये आपके गोड़ जनजाति, मुरिया जनजाति और अबुझमाड़िया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। गोड़, मुरिया और अबुझमाड़िया, स्पेशली ये जो आपका कक्षाड़ पंडुम है ये आपके अबुझमाड़ियों के द्वारा आपका स्पेशली मनाया जाता है, समझिएगा। ये जो आपके जनजाति है, जनजाति क्या करते हैं, इस पर्व के दौरान अलग अलग परगने से देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है, ठीक है। जनजातियों का अपना अलग अलग परगना होता है, तो अलग अलग परगने से आपके वहाँ के देवी देवताओं को, वहाँ के जनजाति देवताओं को आमंत्रित किया जाता है और उन्हें एक जगह पर, उन्हें देवी देवताओं को एकत्रित किया जाता है। उनका तेल, हल्दी और आपका हजारी के फूल की माला, ठीक है, तेल, हल्दी, हजारी की फूल की माला, ये जो हजारी का जो फूल है, हजारी का फूल ये एक प्रकार का चंपा का फूल है, चंपा का फूल, इस हजारी के फूल को देव फूल कहा जाता है जनजातियों के द्वारा। तो इनसे उनका स्वागत किया जाता है तथा पूजा पाठ करने के पश्चात इन परगने के देवी देवताओं को आपस में भेंट कराया जाता है, जिसके पश्चात इन देवी देवताओं को लेकर के वहाँ के जो आपके परगने के जो प्रमुख है या वहाँ के जो पुरोहित है देवी देवताओं को के साथ नृत्य करते हैं। नृत्य करने के बाद उनको एक तालाब में ले जाके स्नान कराया जाता है, उसके बाद उनको विदा किया जाता है। यह है आपका कक्षाड़ पंडुम पर्व या कक्षाड़ पंडुम त्यौहार, जो कि आपके दक्षिण बस्तर में या स्पेशली अबुझमाड़ वाले क्षेत्र में अबुझमाड़िया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अबुझमाड़िया के साथ साथ इसमें गोड़ और मुरिया आदिवासी भी शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका पड़िया कंघी, जिसे कहा जा सकता है आपके बालों का आभूषण, जनजातियों में इसे बालों का आभूषण भी कहा जा सकता है। देखिए जो आपका पड़िया कंघी है ये स्पेशली आपके मुरिया जनजाति की युवतियां धारण करती है, मुरिया जनजाति की युवतियां, पड़िया कंघी जो कि बालों का आभूषण है, जो कि मुरिया जनजाति की आपकी युवतियां धारण करती है। देखिए ये जो है आपका पड़िया कंघी ये युवतियों के कुवारेपन का प्रतीक है। पड़िया कंघी आपके मुरिया जनजाति की युवतियों के, ठीक है, युवतियों के कुवारेपन का प्रतीक है, समझिएगा। इस पड़िया कंघी को इसी मुरिया जनजाति के शिल्पकार यानी मुरिया जनजाति के जो युवक है इस पड़िया कंघी का आपका निर्माण करते हैं। देखिए ये जो पड़िया कंघी है ये एक प्रकार से आपके मुरिया जनजाति के युवक युवतियों के मध्य मित्रता और प्रेम संबंध दोनों का प्रतीक है। जो आपके मुरिया जनजाति के जो युवक है वो युवतियों को मित्रता के तौर पर यानी एज अ फ्रेंडशिप मित्रता के तौर पर भी इस आपके पड़िया कंघी को तोहफे के तौर पर देते हैं, या अगर कोई आपकी मुरिया जनजाति के जो युवक युवती है आपस में प्रेम करते हैं तो अपने प्रेम संबंध के रूप में भी वो इस आपके पड़िया कंघी को युवती को देते हैं। जो आपकी कुंवारी युवतियां हैं इसे अपने बालों में सजा करके एक आभूषण के तौर पर इसे सजा करके घूमती है, ठीक है। देखिए तो ये जो आपका पड़िया कंघी है ये आपके मुरिया जनजातियों की जो आपकी युवतियां हैं उसके कुंवारेपन का प्रतीक है। शादी के पश्चात एक निश्चित अवधि में इस पड़िया कंघी को युवतियों को अपने बालों से हटाना रहता है, ठीक है। यानी इस पड़िया कंघी को विवाहित महिलाएं धारण नहीं कर सकती, ये केवल कुंवारी युवतियां ही धारण कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मृतक स्तंभ, जो कि अबुझमाड़ और आपके दक्षिण बस्तर में इसका प्रचलन है, समझिएगा। ये जो मृतक स्तंभ की जो परंपरा है ये आपके प्रागैतिहासिक कालीन परंपरा है, जो कि आपके मुरिया और माड़िया दोनों जनजातियों में इसका प्रचलन है। देखिए जो मुरिया और माड़िया जनजाति के लोगों में अगर किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती थी
प्राचीन समय में, तो उस समय क्या होता था कि उनके रिश्ते नातों को आपके दूर से बुलाया, बाहर से बुलाया जाता था, और साथ ही साथ गांव के लोग मिल करके जंगलों में जाकर के, पहाड़ों पर जाकर के एक बहुत बड़ा सा पत्थर लाते थे और मरे हुए व्यक्ति को दफना करके उसके सिर के तरफ उस पत्थर को गड़ा दिया जाता था, ये कहलाता था मृतक स्तंभ। लेकिन समय के साथ चीज़ें परिवर्तित होने लगी। अब इसमें क्या होता है कि अब ये जो आपका मृतक स्तंभ है ये हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं बनाया जाता। अगर जनजाति में कुछ प्रमुख व्यक्ति है, प्रमुख व्यक्ति मतलब जैसे परगने का प्रमुख हो गया, या उसके अलावा कोई पुरोहित हो गया, कोई आपका शिकारी हो गया, कोई शिल्पकार हो गया, कोई नृत्य करने वाला हो गया, या कोई आपका पटेल हो गया, तो ऐसे अगर उस जनजाति के कोई प्रमुख है या कोई किसी व्यक्ति ने जनजाति के लिए कुछ अच्छे कार्य किए हैं, तो ऐसे अगर कोई प्रमुख व्यक्ति है तो उसी व्यक्ति के लिए इस जनजातियों में एक आपके मृतक स्तंभ स्थापित किया जाता है। प्राचीन समय में इसमें केवल पत्थरों का मृतक स्तंभ स्थापित किया जाता था, लेकिन अभी के समय में, अभी के इस आधुनिकता वाले समय में लकड़ी के भी आपके मृतक स्तंभ स्थापित किए जाते हैं। उस मृतक स्तंभ में, पत्थर हो या लकड़ी, दोनों के दोनों मृतक स्तंभ में अभी वर्तमान में समय के साथ परिवर्तन के साथ इसमें रंगों से चित्रकारी की जाती है। रंगों से चित्रकारी, अगर पत्थर का मृतक स्तंभ है तो उसमें खोद करके उकेरा जाता है। उस व्यक्ति के जीवन काल से संबंधित, उसने अपने जीवन काल में कौन कौन से कार्य किए, कैसे कार्य किए, या वो किस क्षेत्र से संबंधित है, उसके जीवन से संबंधित कुछ चीज़ें उस मृतक स्तंभ में उकेरी जाती है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो मृतक स्तंभ है इसका प्रचलन आपके अभूजमाड़ और स्पेशली दक्षिण बस्तर वाले क्षेत्र में है। ये आपके मृतक स्तंभ की परंपरा आपके मुरिया और माड़िया दोनों जनजाति में पाई जाती है, या दोनों जनजाति में इसका प्रचलन है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।